दिस इज़ क्वेश्चन नंबर एटीन जो कि क्लास नाइन्थ एन सी आर टी चैप्टर ग्रेविटेशन से लिया गया है इस क्वेश्चन में बोला गया कि अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोर आफ्टर सिक्स सेकेंड्स तो हमने क्या करा है हमने एक बॉल को थ्रो करा है ऊपर ठीक है थ्रो किया तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा ठीक है अच्छा जब बॉल हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ठीक है सपोज़ हमने एच हाइट पर फेंका है उसको एच हाइट तक फेंका है तो वहाँ पर उसका फाइनल विलॉसिटी क्या होगा जीरो हो जाएगा क्योंकि वो स्टॉप पर आएगा वो रेस्ट पे आएगा फाइनल पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है कि वो रिटर्न्स टू द थ्रो आफ्टर सिक्स सेकेंड्स वो बॉल वापस आ रही है नीचे भी आ रही है कितनी देर बाद सिक्स सेकेंड्स के बाद वापस आ रही है ठीक है विलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन तो मतलब हमें यू का वैल्यू निकालना है हाइट निकालना है इट्स पोजिशन आफ्टर फोर सेकंड्स और चार सेकेंड्स के बाद उसकी क्या पोजिशन रहेगी हमें ये फाइंड करना है ठीक है तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देख लेते हैं हमें पता है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है इसकी ठीक तो है तो फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो हम क्या करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी ठीक है ये इक्वेशन होती है अब बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं जी नीचे की तरफ लग रहा है तो जी का साइन ऑपोजिट लेना पड़ेगा जी को हम क्या ले लेते हैं टेन मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं तो अब हम यहाँ पे जब पुट करेंगे वैल्यूज़ फाइनल वॉसिटी जीरो हो गई यू हमें फाइंड आउट करना है तो यू को हम एज इट इज़ रहन देते हैं ठीक है अब यू के बाद हमें जी कितना दिया है टेन दिया है और हमें टाइम भी दिया गया है हमें क्या करना है अच्छा छः सेकेंड बाद अगर बॉल नीचे आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉल को ऊपर जाने में तीन सेकेंड लगे ठीक है और नीचे आने में तीन सेकंड लगे ये कह सकते हैं तभी टोटल टाइम कितना लग गया छः सेकंड लग गए तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास ये आ गई हमारे पास u इज इक्वल टू माइनस यू इज इक्वल टू थर्टी ये हो गया हमारे पास बॉल ऊपर जा रही है यहाँ पे माइनस टेन आएगा बॉल हमारे पास ऊपर जा रही है g नीचे लग रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा माइनस टेन इंटू थ्री तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस थर्टी तो u का वैल्यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई थर्टी मीटर पर सेकेंड आ गई ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई ठीक है अब हमें क्या करना है मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड पार्ट देख लेते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर ले तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम यूज़ करें तो वहां पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये इक्वेशन होती है ठीक है हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है तो एस तो हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी हमने थर्टी निकाल ली ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है थ्री प्लस हाफ इंटू अच्छा जी कैसा लगेगा बॉल ऊपर जा रही है जी नीचे लग रहा है तो जी माइनस आ जाएगा माइनस टेन इंटू टाइम कितना है थ्री स्क्वायर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस का वैल्यू कितना जाएगा? S आ जाएगा एस आ जाएगा हमारे पास फोर्टी फाइव मीटर ये हमने निकाल ली हाइट का वैल्यू ठीक है अब हमसे सी पार्ट में क्या पूछा है कि हमें सी पार्ट में पूछा गया हाइट इट रीचेज इट्स पोजिशन आफ्टर फोर सेकेंड सी हमें पूछा गया है पोजिशन आफ्टर फोर सेकेंड्स तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सी पार्ट सी पार्ट या थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट में हमसे बोल रहा है पोजिशन आफ्टर फोर सेकेंड्स अब हमें ये निकालनी है ठीक है कि चार सेकेंड्स के बाद उसी क्या पोजिशन है ठीक है अब हमें पता है कि तीन सेकेंड बॉल ऊपर लेके जाने में ले रही है और तीन सेकंड में बॉल नीचे आ रही है ये हमें पता है ठीक है तो तीन सेकंड में जब वो थर्ड सेकंड पे होगी तब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी ठीक है जब वो थर्ड सेकंड कंप्लीट कर रही होगी तब बॉल कहाँ होगी बॉल होगी हाईएस्ट पॉइंट पे उस टाइम पे उसका फिलॉसिटी कितना होगा जीरो होगा ये चीज़ हमें पता हुआ है ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं हमें ये निकालना है कि तीन सेकेंड का तो हमें केस पता है एक सेकेंड जो बच रहा है चार सेकेंड में से उसमें उसने क्या किया हमें वो फाइंड आउट करना है ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो हमें ये पता है ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट ठीक है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है अच्छा अब क्या है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसका वी है जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है वी उसका ज़ीरो मीटर पर सेकेंड है अब वो क्या कर रहे हैं अब हम ये देखते हैं वन सेकेंड में उसके साथ क्या होता है तो हम हमें अगर पोजीशन निकालनी है तीन सेकंड के बाद कितनी पोजीशन हमें पता है एक सेकंड की पोजीशन निकाल ले तो हम क्या करते हैं एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये इक्वेशन यूज़ करते हैं ठीक है अब हम क्या करें अब बॉल थर्ड सेकेंड पे ऊपर है ठीक है अब बॉल नीचे आ रही है तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी तो उसकी अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कि वो ऊपर से आ रही है हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो वी था यहाँ पे जो जीरो था ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी तो ये ज़ीरो हो गया ठीक है टाइम कितना हम रखेंगे टाइम हम रखेंगे वन सेकेंड क्योंकि हमें आखिरी सेकेंड में पता करना है हाफ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन बॉल भी नीचे आ रही है जी भी नीचे लग रहा है और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास एस का वैल्यू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस कितना आ जाएगा फाइव मीटर हमारे पास एस का वैल्यू आ गया फाइव मीटर ठीक है <coughs> अब हम देखते हैं हमने टोटल हाइट कितनी निकाली थी हमने टोटल हाइट निकाली थी यहाँ पे बॉल को ऊपर जाने के लिए फोर्टी फाइव मीटर ये हमने निकाली थी ठीक है 45 मीटर के बाद तीन सेकंड में बॉल 45 मीटर कवर कर रही है एक सेकंड में बॉल जब वो नीचे आ रही है तो कितना कवर कर रही है पाँच मीटर इसको फिर से देखते हैं हमारी बॉल यहाँ से ऊपर गई ठीक है इसको कवर करने के लिए उसने फोर्टी मीटर उसने कवर किया ये उसने कवर किया इसमें उसने तीन सेकेंड लगाए अब आखिरी के एक सेकेंड में वो कितना नीचे आई एक सेकेंड में कितना नीचे आई हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एक सेकेंड में वो नीचे आई पाँच मीटर ठीक है तो वो पाँच मीटर अब यहाँ पे नीचे आ चुकी है एक सेकेंड में हुँ. अब हमें निकालना है कि बॉल फोर सेकेंड्स में आफ्टर फोर सेकेंड उसका पोजिशन निकालना है आफ्टर फोर सेकेंड्स हमें उसका पोजिशन निकालना है ठीक है तो पोजिशन कितना होगा टोटल हाइट फोर्टी फाइव है पाँच वो नीचे आ चुकी है तो ये जो बचा हुआ हाइट है यही उसको ग्राउंड से इतना ही दूर है तो ये बचा हुआ हाइट कितना होगा ये होगा फोर्टी फाइव माइनस फाइव तो बचा हुआ हाइट कितना है